इमेज में इस घर को आप देखिए, पहली बार देखने से ये आपको इल्यूजन लगेगा, पर ये घर असल में ऐसा बना हुआ है और आइसलैंड में ऐसे इंसानी शिप के टावर से पावर सप्लाई होती है। और अगर आप हाइपोथेटिकली ब्लैक होल में चले जाओगे तो आप इस यूनिवर्स का बिगिनिंग और एंडिंग भी देख पाओगे। और कभी आपने ये सोचा है कि इस दुनिया के एटमॉस्फेयर में जितना भी ऑक्सीजन है वो डबल हो जाए तो क्या होगा? इस वीडियो को आप अंत तक देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 20, आपको स्कूल या कॉलेज में कहा जाता होगा कि सबसे पहले बल्ब बनाने वाले थॉमस अल्वा एडिसन थे, लेकिन ये एक टोटली मिथ है। असल में उन्होंने बल्ब को ज्यादा देर कैसे जलाए रखें वो इन्वेंट किया था। असल में बल्ब जोसेफ स्वैन ने पहली बार इन्वेंट किया था। नंबर 19, आपने कभी ना कभी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम देखा या सुना होगा, और ये वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक है। तो आपने कभी सोचा होगा कि इसका एंड है या नहीं, और है भी तो कैसा है? तो इस वॉल का एंड ऐसा लगता है। नंबर 18, दुनिया का सबसे यंगेस्ट हैकर जो कि सिर्फ 13 ईयर्स का है, उसने अपने स्कूल का होमवर्क करने के लिए उसने स्कूल कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया था ताकि वो होमवर्क के आंसर्स को जान पाए। नंबर 17, ऑडी, बेंटली, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, पोस्टे, स्कोडा, डुकाटी, ये सब बड़े बड़े कार कंपनीज सिर्फ एक कंपनी ओन करती है, और वो है वोल्क्सवैगन। जी हाँ, वोल्क्सवैगन इन सब कंपनीज को ओन करती है। नंबर 16, ये है टॉम क्रूज, जो कि हॉलीवुड मूवीज के बहुत फेमस एक्टर हैं, और ये मिशन इम्पॉसिबल नामक एक मूवी में, उस मूवी के एक शूट के लिए ये बुर्ज खलीफा के एकदम टॉप पर बैठे थे। नंबर 15, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक स्टडी में ये पाया गया कि हम 85% ऐसे चीजों को सोचते हैं जो कभी हो ही नहीं सकते, और इसका रीजन है नेगेटिव थिंकिंग इन सब चीजों को सोचने के लिए मजबूर करती है। नंबर 14, इमोजीज जो है, जो येलो कलर के ऐसे इमोजीज जिन्हें आप मैसेजेस के साथ यूज करते हैं, तो क्या आप ये जानते हैं कि ये इमोजीज किसने बनाए थे? ये असल में जापान के एक आदमी शिगेटाका कुरितो ने बनाए थे। नंबर 13, ये फैक्ट सुनकर आपको थोड़ा सा डर लगेगा। यूएन सिल्स यूनिवर्सिटी का एक बास्केटबॉल टीम प्लेन में ट्रैवल कर रहा था, पर उस टीम का एक प्लेयर किसी वजह से उस फ्लाइट को मिस कर दिया, पर वो टीम जिस फ्लाइट में जा रही थी वो प्लेन अचानक से क्रैश हो गया और वो पूरी बास्केटबॉल टीम मर गई। पर वो प्लेयर जिसने फ्लाइट को मिस कर दिया था वो बहुत खुश था कि मैं बच गया, लेकिन उस हादसे के सिर्फ 2 हफ्ते बाद वो प्लेयर एक कार एक्सीडेंट के चलते मारा गया, और इससे वो पूरी बास्केटबॉल टीम खत्म हो गई। नंबर 12, इस इमेज से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। ये इमेज एक परफेक्ट एग्जांपल है कि नेचर को बिना तकलीफ पहुंचाए हम कैसे डेवलप हो सकते हैं। नंबर 11, एलन शेपर्ड नाम के एक एस्ट्रोनॉट ने चांद पर पहली बार गोल्फ खेला था, और जिस बॉल को उन्होंने हिट किया वो अभी तक नहीं मिला है। नंबर 10, ये है दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो कि चाइना में मौजूद है, और इस लाइब्रेरी में 12 लाख बुक्स मौजूद हैं। पता नहीं कि ये कैसे चढ़ते होंगे बुक्स लेने के लिए। नंबर 9, इंडिया में अगस्त 15 को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, पर वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि 5 देशों में सेलिब्रेट किया जाता है, और वो है बहरेन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कॉन्गो और लीटनस्टाइन। नंबर 8, ये फोटो जो है ये एक प्लेन के अंदर का फोटो है जो कि 1930 में खींचा गया था, और प्लेन्स 1930s के टाइम में कुछ ऐसे लगते थे। नंबर 7, अलास्का के बैरो टाउन में एक अजीब फेनोमेना होता है कि यहाँ सनसेट मतलब सूरज डूबना नवंबर 18 को होता है, और सनराइज जो होता है वो सूरज उगना वो अगले साल जनवरी 23 को होता है, और बीच के 67 डेज यहाँ अंधेरा रहता है। नंबर 6, ये रिंग जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये रिंग इस दुनिया का सबसे अनोखा रिंग है क्योंकि ये डायनासोर की हड्डी, म्यूटोराइट और सोने से बना हुआ है, और ये दुनिया का सबसे अनोखा रिंग माना जाता है। नंबर 5, आप क्या सोचते हो कि बड़ी बड़ी कार्स जैसे लैम्बोर्गिनी और फरारी ये एक सुपर कार्स हैं, लेकिन दुबई में इन्हें मैकडॉनल्ड्स के लिए यूज करते हैं। नंबर 4, बेसंजी नाम का एक कुत्ता है, और ये दुनिया का पहला ऐसा कुत्ता है जो भौंक नहीं सकता। जी हाँ, ये कुत्ता भौंक नहीं सकता। नंबर 3, जब एप्पल का सेक्रेटरी एक कार प्रॉब्लम की वजह से लेट हो गया था, तब स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के फाउंडर थे उन्होंने अपनी जैगुआर कार दे दी और कहा कि आगे से लेट मत होना। सिर्फ लेट होने की वजह से उन्होंने जैगुआर कार दी थी। नंबर 2, कोको कोला जो कि एक ड्रिंक है, उसे बनाने का फॉर्मूला सिर्फ 2 लोगों को ही पता है, और ये दोनों सेम प्लेन से नहीं उड़ सकते हैं, ये इनका एक रूल है। नंबर 1 से पहले हमारे चैनल का एक एम है जो कि 100K सब्सक्राइबर्स का, और 17 जनवरी से पहले इस एम को पूरा करने के लिए आप हमारी मदद कर सकते हैं उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर। नंबर 1, क्या होगा अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन डबल हो जाए, यानी कि 2 गुना हो जाए? आपको खुद पता ही होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 20% तक है, तो यही 20% को डबल किया जाए तो ये सब होगा। कार्स बिना फ्यूल लाइफ टाइम तक चलने लगेंगे, और छोटे से बच्चे के कागज के प्लेन हम उसे उड़ाएंगे तो वो बादलों के ऊपर भी चले जाएंगे, और इंसेक्ट्स बलून जैसे फूलने लगेंगे, और हम ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगेंगे, और दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचने से दिमाग ज्यादा अलर्ट हो जाएगा। इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, जैसे लॉन्ग टर्म बीमारियां जैसे कैंसर और भी बहुत सारे ऐसे डिजीजेस, और हम इंसान बहुत ज्यादा तेज भाग सकेंगे हमारी लंग्स में जो कैपेसिटी ज्यादा होने के वजह से।
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।